नमस्कार, मैं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। फ्यूचर मेकर कंपनी की सीलिंग के बाद में कई कंपनियों का बिस्तर गोल। फ्यूचर मेकर लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड पर मामला दर्ज होने के बाद में चैन सिस्टम से चलने वाली सभी कंपनियों में पैसा लगाने वालों में मच गया है हड़कंप। मामला दर्ज होने के महज 4 दिन बाद भी पंचायतें, गाँव के अंदर पंचायतों का आयोजन होने लगा है। चिट फंड कंपनियों की जाँच हेतु पुलिस ने गठित की है SIT। SP ने बताया फ्यूचर मेकर VDST ट्रेडमार्क पर FIR दर्ज। SP ने की है निवेशकों से पुलिस में शिकायत करने की अपील। अब देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद से सुरेश मेहरा की ये रिपोर्ट। कम समय में मालामाल बनने का सपना दिखा करके लोगों से करोड़ों रुपए निकलवाने वाली फ्यूचर मेकर कंपनी जैसी अन्य कई कंपनियों के खिलाफ मामला पुलिस ने दर्ज कर लिया है और SIT गठित कर दी है। SIT DSP हेडक्वार्टर के नेतृत्व में इन कंपनियों के रिकॉर्ड जब्त कर जांच करवाई जाएगी। आज इस संबंध में SP दीपक सारण ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पुलिस ने अलग अलग शिकायतों के आधार पर फ्यूचर मेकर VDST व ट्रेडमार्क के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तीनों FIR में कुल 16 लोगों के नाम जब्त किए गए हैं। कुछ अन्य कंपनियों के नाम भी पुलिस की नज़र में हैं और उनके खिलाफ शिकायत भी मिल चुकी है। उन्होंने बताया कि कंपनियों के झांसे में आकर के कई लोगों ने लाखों रुपए निवेश कर रखा था और वे भी आगे आकर के उन्होंने अपील की है कि जिन लोगों ने निवेश कर रखा है वे भी आगे आकर के पुलिस को शिकायत दें और अपने बयान दर्ज करवाएं। मामले में देरी के सवाल पर उन्होंने कहा कि मामले में जांच चल रही थी। मई माह में कंपनी पर फतेहाबाद में हुई रेड के बाद में कोई जांच न होने पर उन्होंने कहा कि उस रेड के दौरान रिकॉर्ड जांच के लिए कब्जे में लिया गया था। उस मामले में भी जांच चल रही है जिस पर अब FIR दर्ज की गई है। SP ने बताया कि ये कंपनियां बेरोजगार युवाओं, छात्राओं और लोगों को कमीशन बेस पर कार्य करके प्रोजेक्ट की मार्केटिंग करने और कुछ पैसा जमा करवा करके पैसा डबल करने का झांसा दे करके आदि गतिविधियां जारी रखती हैं। इसलिए ऐसे लोगों के झांसे में न आए। आप देख रहे हैं पल पल फतेहाबाद से ये खास रिपोर्ट। सारा रिकॉर्ड कब्जे में लिया जाएगा नियम अनुसार, जहाँ से भी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज और जहाँ जहाँ पे इनके सर्टिफिकेट सिग्ने दिखाए हैं वो सभी जांच के तहत जांचे जाएंगे। कितनी शिकायतों की अभी और जांच चल रही है? अभी हमारे पास 2 शिकायत और हैं, उनकी जांच चल रही है। जैसे कंप्लेनेंट ने शिकायत दी भी ये टैक्स चोरी कर रहे हैं और इनकम टैक्स विभाग ये कह रहा है कि हमारे इनके पास एडवांस टैक्स है, हमारा कोई टैक्स चोरी नहीं हो रहा। हाँ जी, ये हमारे पास जो है, हम अपनी जो कानून की धाराएं हैं, जो हमारा अलग से प्राइस चीट एंड मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट है, उसके तहत हम अपनी जांच अमल में ला रहे हैं और उसके तहत जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई। सर, कोई ऐसी टाइम बाउंडेशन भी दी गई है SIT को कितने टाइम में अपनी रिपोर्ट देके और जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए? चूँकि ये मामला EOW इकोनॉमिक ऑफेंसेस से रिलेटेड है, इसके अंदर हम पूरी इसकी गहराई में जाएंगे और इसकी जल्दी से जल्दी जांच को पूरा कर। फतेहाबाद में जो कार्यालय है उन पे अभी तो कोई छापा नहीं मारा गया पुलिस द्वारा? अभी FIR दर्ज हुई है, इनके जो भी संबंधित दस्तावेज हैं वो कलेक्ट किए जा रहे हैं और सभी को शामिल जांच किया जाएगा। उसके उपरांत जो भी कार्रवाई बनेगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा अगर वो दोषी होगा तो। लोगों से कोई अपील? सर, लोगों से मेरी अपील है कि वो सभी, जिसके साथ भी अगर कोई इस प्रकार का फ्रॉड या चीटिंग उन्हें लगता है कि हुई है, तो पुलिस के सहयोग करें, आकर अपने बयान दर्ज कराएं।